गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का इवनिंग सेशन 18 मार्च का पेपर कंप्लीट हो गया और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। लेवल काफ़ी अच्छा था और कैलकुलेटिव भी था, बट क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे और होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आए ये आप लोगों के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं और इससे आप अपना पेपर एनालाइज कर सकते हो और अपने आंसर से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टोइकोमेट्री का। इस स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड दे रखा है आपको और इस बेंजोइक एसिड का मास गिवन है, ये मास है 6.1 ग्राम और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रोमिनेशन प्रोसेस रहा होगा जिसमें 3-ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट का मास भी दे रखा है आपको 7.2 ग्राम। अब आपसे क्वेश्चन जो किया गया है वो परसेंटेज यील्ड का किया गया है, तो यहाँ पर सिंपल से स्टोइकोमेट्री अप्लाई कर दो जिसमें आप फॉर्मूला यूज़ में ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इनटू परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 3-ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सबको उन्होंने गिवन मास अपॉन मोलर मास से, गिवन मास 6.1, मोलर मास आपको दे रखा है यहाँ पर 122 अगर कैलकुलेट करोगे तो, यहाँ परसेंटेज यील्ड बाय 100 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजोइक एसिड अपन मोलर मास, यहाँ पर 3-ब्रोमो बेंजोइक एसिड जब काउंट कर रहे हो तब यहाँ पर मे भी मेंशन नहीं होगा, ब्रोमीन का एटॉमिक मास आप 79 कंसीडर करते हो तो आपको इंटीजर आंसर मिलता है, कैलकुलेशन करोगे तो इंटीजर आंसर वैल्यू मिलेगी आपको 72। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड यहाँ पर 72% आती है। अगला क्वेश्चन अगेन स्टोइकोमेट्री का है बट ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है। इस टाइट्रेशन में आपको एक्सपेरिमेंट को 5 times रिपीट किया गया फ्रॉम सेम सैम्पल 10 ml और टाइट्रेशन जो की जा रही है वो अगेंस्ट HCl की जा रही है, इट मीन्स यहाँ पर जो टाइट्रेंट है आपके पास में वो HCl है। ठीक है, इसके लिए जो आप डाटा दे रखा है उसमें HCl का जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है उसके लिए रिपीटेड एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है और डिफरेंट टाइटर वैल्यू मिल रही है, बट यहाँ पर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो या फिर 3 sequential सेम वैल्यूज़ को काउंट किया जा रहा है, तो रिपीटेड वैल्यू आपको मिल रही है 5, इट मीन्स आपकी टाइटर वैल्यू जो होनी चाहिए, एवरेज टाइटर वैल्यू होनी चाहिए या फिर सिक्वेंशियल टाइटर वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स HCl का जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो 5 ml कंज्यूम हो रहा है टू गेन द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आप लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। हमने ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप मिली इक्विवेलेंट से कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोनों के मिली इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर मोलरिटी Na2CO3 की m अज्यूम कर ली, एक Na2CO3 का जो मॉलिक्यूल है वो 2H+ गेन कर सकता है या 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ पर n फैक्टर इसका 2 काउंट किया गया है और HCl का n फैक्टर 1 काउंट कर रखा है। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो मोलरिटी की वैल्यू आएगी 0.05। ठीक है, लेकिन आपको आंसर इंटीजर की फॉर्म में प्रेजेंट करना है जिसके लिए आपको बोला गया है कि मोलरिटी जो आपके पास में है वो x × 10⁻²। दैट्स वाई x का वैल्यू यहाँ चेक करोगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में बोहर मॉडल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखी है। प्रॉब्लम में आप लोगों को पढ़ाया जाता है या क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसमें डिसएडवांटेज ऑफ बोहर मॉडल, डीमेरिट्स ऑफ बोहर मॉडल के नाम से टॉपिक लिखवाया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि बोहर मॉडल आपके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, तो यहाँ पर लिथियम प्लस जो दे रखा है ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक लिथियम के मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसका अगर Li+ बनाओगे तो Li+ में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता, ना तो वो उसके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है ना स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो है फॉल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगर सेकंड स्टेटमेंट पे आए तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है बोहर मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उस इफेक्ट को नेम प्रोवाइड किया जाता है जीमन इफेक्ट,
और बोहर मॉडल जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट वन इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट, आंसर थ्री होना चाहिए था अगर आपको ऑप्शन में इसी ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं तो। अब देखें अगला क्वेश्चन आपको मिला आयनिक इक्विलिब्रियम का, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है इन प्योर वाटर, प्योर वाटर में ओनली दो ही आयन मिलेंगे CdSO4 के, एक Cd+2 और दूसरा SO4-2, जैसा कि मैंने यहाँ आयनाइज कर रखा है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी S अज्यूम कर ली, तो ये S रहा होगा, ये भी S बना होगा और इस S की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। S अगर गिवन है तो मैं इसका KSP कैलकुलेट कर सकता हूँ और ये KSP आपके पास में आ जाएगा S² 64 × 10⁻¹⁸। KSP एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कांस्टेंट रहता है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अब अगर इसको H2SO4 में ऐड करते हो तो H2SO4 में ऐड करने पर क्या होगा, एक कॉमन आयन मिलेगा सल्फेट, कॉमन आयन सल्फेट मिलेगा, तो अब अगर CdSO4 को आयनाइज करोगे तो CdSO4 आयनाइज होके बनाएगा Cd+2 + SO4-2, इसकी सॉल्युबिलिटी को अब मैंने यहाँ पर अज्यूम किया S1, तो ये S1 आएगा, ये S1 आएगा, लेकिन सल्फेट आयन आपको H2SO4 से भी मिलेगा और H2SO4 से मिलने वाले सल्फेट आयन का अमाउंट 0.01 होगा, 0.01 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली आयनाइज होगा, तो ये वैल्यू S1 + 0.01 होनी चाहिए। अब अगर KSP आप नोट करते हो तो KSP नोट करने पर KSP का वैल्यू क्या होना चाहिए, S1 × S1 + 0.01, ठीक है। ऊपर का डाटा अगर देखें तो आपको फर्स्ट दे रखा 8 × 10⁻¹⁴, कॉमन आयन के कारण सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, यहाँ पर जो S1 है वो 0.01 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया जा सकता है, दैट्स वाई कैलकुलेशन डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख के दी गई है, 0.01 के रेस्पेक्ट में S1 नेगलेक्ट कर लिया, तो यहाँ S1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 64 × 10⁻¹⁶, ठीक है। लेकिन आपको आंसर कैसे करना है, तो सॉल्युबिलिटी मेंशन है X × 10⁻¹⁶, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो X का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 64, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 64। अब देखो अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉग एंटी लॉग का कैलकुलेशन भी आना चाहिए और इस डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा वी जी से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको रिएक्शन दे रखी है 2A gives A2, इसका डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है 25.2 at 400 Kelvin, आर का वैल्यू कितना यूज़ में लेना है वो भी दे रखा है 8.3, ठीक है। एंटी लॉग का डाटा दे रखा है, ये भी आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में। डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम में रिलेशन होता है डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर आपको ये दे रखी है यूनिट किलोजूल, किलोजूल को किस में बदलना है, जूल में अगर नहीं बदलोगे तो आंसर फिर गलत हो जाएगा, 25.2 × 1000, ठीक है। आर का वैल्यू 8.3 प्लेस किया मैंने, टेम्परेचर 400 केल्विन प्लेस किया, ln को कन्वर्ट कर लिया 10 बेस में तो 2.3 आ गया आपके पास, कन्वर्जन आपको दे रखा है यहाँ पर। इसे लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया -3.3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेगेटिव क्वांटिटी का एंटी लॉग लेना नहीं आता, तो नेगेटिव क्वांटिटी को एंटी लॉग लेना है तो मैं इसको क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, लॉग के इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू -3 + -0.3, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को आप बोल सकते हो 10⁻³ इंटू, अगर के इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिख रहा हूं तो -3 का डाटा आपको 1/2 दे रखा है, तो ये वैल्यू आपकी होगी 5 × 10⁻⁴ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है 5 × 10⁻⁴। बट इसको कंपेयर किसकी फॉर्म में करना है, आपको अगेन यहाँ पे देखोगे X × 10⁻⁴ की फॉर्म में कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे तो X का वैल्यू 5 आएगा, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है 5, ठीक है, ये भी क्लियर रहना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है।
और अब एवरेज क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में आपको लॉग भी यूज़ में लेना है और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ठीक ठाक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन था बट इसमें ऑर्डर मेंशन नहीं था, बाय डिफॉल्ट आपको ऑर्डर फर्स्ट कंसीडर करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कंसीडर करोगे तभी आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ए की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अदरवाइज आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट का वैल्यू नोन होना जरूरी है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर से कंसीडर किया गया। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मुलेशन इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है के इक्वल टू वन बाई टी एलएन ए नॉट अपॉन ए टी, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है तो आपको मेंशन है 99.9% कंप्लीट हो गई। तो अगर ए नॉट को 100 अज्यूम करते हो तो ए टी का वैल्यू 0.1 होना चाहिए, जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया, ये ए टी सॉरी ए नॉट और ये ए टी का वैल्यू। टाइम टी के लिए आपको हाफ लाइफ दे रखी, हाफ लाइफ 1 मिनट मेंशन है, हाफ लाइफ अगर 1 मिनट दे रखी है तो आप के का वैल्यू निकाल सकते हो एल एन टू अपॉन टी हाफ से, ठीक है। अब आप सिंपली कैलकुलेशन कर लो तो टी का वैल्यू 10 मिनट्स आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 होना चाहिए, टाइम मिनट्स में ही रिप्रेजेंट करना है। अगला क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन का है और ये डाइमराइजेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इस बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है 100.52। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट वाटर होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे आपको हेल्प मिलती है डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने की। डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी 0.52 आ जाएगा। डेल्टा टीबी मिल गया, के बी क्वेश्चन में दे रखा मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट 0.52 और साथ में आपको दे रखा है मोलालिटी 2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लो, आई का वैल्यू आ जाता है जिसको वॉन्टर फैक्टर बोलते हो 0.5। अब अगर डाइमराइजेशन प्रोसेस होता है, डाइमराइजेशन में 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, 2A gives A2, ठीक है। यहाँ पर इनिशियली अगर 1 मोल कंसिडर करते हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा काउंट करते हो तो ये बन जाएगा अल्फा बाई 2 और आई कैलकुलेट करोगे तो आई सम होगा नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी या फिर एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 आता है, ठीक है। आई आपके पास में 0.5 आ रखा है, इसकी वैल्यू इक्वेट की 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा का वैल्यू आता है 1 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इट मीन्स 100% डाइमराइजेशन हो रहा है, जितना भी आपने मॉलिक्यूल लिया वो सारा सारा ए टू में कन्वर्ट हो रहा है, आंसर हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपली है, कॉलराउस पर बेस्ड है और कॉलराउस के अकॉर्डिंग आप लोग बोलते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज समेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, ठीक है। ये जो आप अप्लाई करते हो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाया जाता है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम दे रखी है। इस प्रॉब्लम में BaSO4 आपको दे रखा है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो यहाँ पर आप डिबाई हकल इक्वेशन से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, एक BaCl2, दूसरा H2SO4, तीसरा HCl, इन सब के मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायलेशन के डाटा दे रखे हैं। उसके लिए आपको सिंपल से इक्वेशन बैलेंस करनी है और बैलेंस करने के बाद में रिएक्टेंट साइड में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है इनकी कंडक्टेंस का सम इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों आपको सम इक्वेट करने, इक्वेट करने का रीज़न क्या है, ये दोनों साइड में नंबर ऑफ आयंस इक्वल है तो कंडक्टिविटी का सम भी सेम रहना चाहिए, तो मैंने वही कर रखा है। यहाँ पर लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ BaSO4 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl, डाटा प्लेस करोगे तो लैम्डा एम ऑफ BaSO4 का वैल्यू आता है 340 इन यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आंसर आपको जो मेंशन किया गया है वो 340 होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन मिला हुआ सरफेस केमिस्ट्री का मिला, इस सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन में CDS तो आपको वेल नोन मिलता है,
बहुत सारे एग्जांपल्स या बुक्स में आप लोग पढ़ लेते हो, सल्फाइड का पीपीटी, सल्फाइड के पीपीटी में H2S गैस से S-2 का एडजॉर्प्शन होता है और CDS बनाता है, CDS.S-2 नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। तो ये तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, ठीक है। दूसरा TiO2, यहाँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको NCERT लर्न होनी चाहिए। NCERT में आपको क्लियरली मेंशन है TiO2 का सॉल्ट होता है पॉजिटिव सोल, और बेसिकली ऑक्साइड्स के जो सोल दे रखे हैं वो पॉजिटिव सोल दे रखे हैं, तो ये पॉजिटिव सोल होगा। तो आपके पास में CDS का सोल नेगेटिवली चार्ज है, TiO2 का सोल पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इस तरह के आपके पास में जो भी सॉल्यूशंस मिले, मे बी आपको हेल्प करेंगे आपका पेपर को एनालाइज करने के लिए। थैंक यू।